राष्ट्रीय कैडर कोर की वार्षिक रैली का आयोजन आज राजधानी दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वार्षिक एनसीसी रैली को संबोधित करेंगे। पीएमओ की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक इस साल रैली का 2,200 से अधिक एनसीसी कैडेट और 24 देशों के युवा कैडेट हिस्सा लेंगे। बिहार की सियासत से बड़ी खबर ये है कि जदयू ने अपने कोर कमेटी की बैठक बुला ली। ये बैठक शाम में मुख्यमंत्री आवास पर आज शाम 3 बजे होने वाली है। इसमें जदयू के शीर्ष नेता शामिल रहेंगे। बताया जा रहा है कि इसके बाद सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार कल सुबह इस्तीफा दे सकते हैं। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह के राजभवन पहुंचने के साथ ही सियासी हलचल और भी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल में फर्जी प्रमाण पत्र के मामले पर कलकत्ता हाई कोर्ट के 2 जजों के बीच जारी लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस अनिरुद्ध बोस की संविधान पीठ ने शनिवार को इस केस पर सुनवाई की। बेंच ने इस केस पर कलकत्ता हाई कोर्ट में सिंगल जज और डिवीजन बेंच की सुनवाई पर रोक लगा दी। इसके साथ ही सिंगल जज के सीबीआई जांच के आदेश पर भी रोक लगा दी गई। विधायक हनुमान बेनीवाल को जान का खतरा, जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई। नागौर में खींवसर से विधायक हनुमान बेनीवाल की जान को खतरा देखते हुए उनकी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सर्वे सर्वा हनुमान बेनीवाल को किससे जान का खतरा है, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन शुक्रवार रात को अचानक उनका सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया गया। उनके घर पर हथियारबंद 8 कमांडो तैनात कर दिए गए। वहीं उनकी एक स्कॉर्ट व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई। भारत के गणतंत्र दिवस परेड के अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में हवा महल के पास एक दुकान पर कुल्हड़ चाय का आनंद लिया। पीएम मोदी ने अपने फोन पर यूपीआई का उपयोग करके चाय का भुगतान किया। इस घटना को देखते हुए मैक्रों हैरान रह गए। बता दें कि भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई ने कई विदेशी नेताओं को हैरान किया। अब इसमें एक और नेता का नाम जुड़ गया है। हैरान होने वाले सबसे नए नाम फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का है। मैक्रों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उनके लिए आयोजित आधिकारिक भोज में अपने भाषण में इसकी तारीफ की है। हैदराबाद में इंग्लैंड की सीनियर टीम के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में शिकंजा कस चुकी है। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड ए टीम को इंडिया की ए टीम ने पारी में अंतर से धूल चटाया है। अहमदाबाद में खेले जा रहे दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में भारत ने पारी और 16 रन की बड़ी जीत दर्ज की है। सौरभ कुमार की घातक गेंदबाजी और सरफराज खान की धुआंधार बल्लेबाजी के दम पे ये जीत पक्की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी पर दिल्ली में ऑपरेशन लोटस 2.0 शुरू करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने आपके साथ विधायकों को अपने पाले में करने की कोशिश की है और उन्हें पाला बदलने के लिए 25 करोड़ रुपए की पेशकश की। सीएम केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी के द्वारा आप विधायकों से बातचीत की गई थी, जिन्होंने कथित तौर पर धमकी दी थी। शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। अगर आप भी रेल यात्रा करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए जरूरी खबर है, क्योंकि रेलवे के द्वारा कई बदलाव किए जा रहे हैं। कई स्टेशन को अमृत स्टेशन के तहत सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। इसको लेकर के रेलवे के द्वारा चलाए जा रहे सभी ऑनलाइन ऐप में भी बदलाव किया जा रहा है। इससे सारी ऑनलाइन सुविधाएं बंद रहेंगी। आपको बता दें कि 27 जनवरी की यानी आज रात 11:45 से 28 जनवरी की सुबह 5:30 तक कोलकाता PRS डेटा सेंटर को मेंटेनेंस कार्य किया जा रहा है।
जिसको लेकर रेलवे के पूछताछ सेंटर से लेकर टिकट से जुड़ी कोई ट्रेन लेट या इससे जुड़ी कोई जानकारी ले पाएंगे। इसकी जानकारी मालदा डिवीजन के PRO दीप्त मोय दत्ता ने दी। बिहार में 79 IPS अफसरों का ट्रांसफर, 14 जिलों में नए SP तैनात। बिहार में सियासी हलचले तेज। तो सरकार ने शुक्रवार को IAS अफसरों के तबादले के ठीक बाद पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव कर दिया। सरकार ने एक साथ 79 IPS अफसरों का ट्रांसफर करते हुए 14 जिलों के नए SP तैनात किए। गृह विभाग के नए आदेश से पूरे प्रदेश पर असर दिखाई देगा। बगहा, बेगूसराय, पूर्णिया, दरभंगा, शेखपुरा, सिवान, अरवल, खगड़िया, नवगछिया, मुंगेर, मधेपुरा, अररिया, सहरसा, जहानाबाद में नए SP होंगे। इस साल मौसम का सबसे सर्द दिन रहा गुरुवार। एक दिन में 6 डिग्री तापमान गिर गया। लोगों को दिन में ही रात जैसी ठंड का एहसास हो रहा था। साल 2024 की जनवरी ठंड और सूखे के नए रिकॉर्ड बना रही है। एक से डेढ़ दशक के दौरान इस महीने में शीत लहर सर्वाधिक रहा। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरे का असर जारी है। वहीं हिमाचल में साल की पहली बर्फबारी हुई।